रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द डेटा कंटेन्स फोर वेरिएबल्स BFI, बॉडी फैट इंडेक्स, एज, वेट एंड हाइट. BFI भी होता है क्या कुछ? An analyst is considering fitting the following linear regression model that predicts the BFI. तो ये पूरा दिया हुआ है. Parameters can be fitted on the following penalty function. तो ये penalty function है. This is the, इसको क्या बोलते हैं? पक, इसका एक वर्ड होता था मशीन लर्निंग में. कौन सा वर्ड है ये? हाइपर पैरामीटर. हाइपर पैरामीटर तो ठीक है. दिस वर्ड पेनल्टी टर्म में हम लोग लैम्डा एंड आई, मतलब वो फंक्शन लेते थे ना. एक पेनल्टी फंक्शन होता है और एक क्या होता है? क्या होगा? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. किसी को याद नहीं आ रहा? पेनल्टी हम लोग रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन में पिनलाइजेशन पढ़ा था. रेगुलराइजेशन पैरामीटर. वेरी गुड प्रियल. वेयर द वेक्टर ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स एंड अल्फा लैम्डा. ठीक है, तो स्टेट द टाइप ऑफ रिग्रेशन मॉडल इफ अल्फा इज वन, अल्फा इज जीरो. तो अगर अल्फा वन है मतलब ये वन हो जाएगा. वन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा. मतलब लैम्डा इंटू ये पार्ट रहेगा. तो अगर लैम्डा इंटू ये पार्ट रहेगा तो दो तरीका का हमने पिनलाइजेशन पढ़ा था. दो तरीके के पिनलाइजेशन पढ़े थे ना. बोलो भाई, लासो और रिज. तो अगर ये वाला कैंसिल हो गया तो ये बचा. अल्फा इज वन मतलब ये वाला पार्ट बचा आपका. तो क्या होगा, लासो या रिज? किसमें हम लोग मॉड ऑफ पैरामीटर्स ऐड करते थे? लासो में. ठीक है, एंड इफ इट इज जीरो मतलब ये पार्ट जीरो, मतलब वन बाई टू इंटू दिस रिज. रिज में कभी भी हम लोग बोलते थे कि कोई भी पैरामीटर जीरो नहीं होता, बट यहाँ पे इट कैन बी जीरो. ठीक है, तो ये होता है लासो, ये होगा रिज. आप लोग लिख दोगे उसको. Construct R code to generate a data frame named BFI that includes. ठीक है, तो पहले तो मैं import कर लेती हूँ. एंड import करने के लिए ना मुझे इसको Control Shift C. सब हटा देते हैं क्योंकि बहुत ही मुझे देख के एकदम. क्या है ये? सी एस वी फाइल है ना. तो रीड डॉट इसको किस में डालें? डेटा में डाल देते हैं. इम्पोर्ट करने क्या? ओ, ये इम्पोर्ट के लिए 2 मार्क्स दे दिया इन्होंने. हाँ, वाह. मैंने इन लोगों को ट्रस्ट भी नहीं है कि हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं कि नहीं. उस पर भी मार्क्स दे दिया. सही है, फिर भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डिफिकल्ट आ रहे हैं सी एस टू भी. अब इसके आगे तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट्स. मतलब देख लो कैसा दिखता है. BFI, एज, वेट. BFI कुछ होता है, बॉडी फैट इंडेक्स होता होगा कुछ. अभी मैंने छोड़ो, बाद में बात करेंगे, पर्सनल टॉक्स. रन द फॉलोइंग कोड्स. तो ये एज डॉट मैट्रिक्स बेसिकली क्या बोल रहे हैं? इसमें पहला कॉलम हटा के मैट्रिक्स बना दो एंड देन दूसरा एक्स वैल्यूज ले लो तीनों एंड वाई वैल्यूज ले लो. तो ये देख के समझ में आ रहा है हमें. ये तो एक एक करके करो. अब बोल रहा है कमेंट ब्रीफली ऑन ईच लाइन. सो समझाने बोल रहा है. तो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड क्रिएट्स अ मैट्रिक्स एक्स व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ द एंटायर डेटा फ्रेम, ऑल एंटायर डेटा फ्रेम एक्सक्लूडिंग द BFI कॉलम. एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट कॉलम, इट कंटेन्स द एंटायर डेटा फ्रेम. सो इट इज अ डेटा फ्रेम विथ, इट्स अ मैट्रिक्स विथ columns age, weight and height. Y is a matrix with only BFI. ठीक है, और basically it creates a matrix, vector. Y is a vector. Y vector बनेगा ना. यहाँ तो as dot matrix हो गया, but ये तो vector बनेगा आपका. So Y is a vector consisting of the first column of the data frame BFI.
Construct R code to generate a function called penalty that calculates the penalty function as above. तो ये three inputs लेना है हमें. क्या होंगे three inputs? एक तो beta वाला vector. तो एक vector जाएगा beta का. One will be alpha value, one will be lambda value. This is very simple. 10 marks दे दिया उन्होंने. कैसे? तो 10 marks दिए इसका. बनाओ इसको. Second question तो free gift है. मतलब दिस इज अ फ्री गिफ्ट. फिर भी अगर आप लोग पास नहीं हो पा रहे हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. अब आप लोग बोलोगे कि मैम मैं बहुत डीमोटिवेटिंग हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं कितनी अच्छी बनूँ? मैं इतनी अच्छी बन नहीं बन सकती. आप लोग मुझे अच्छा बनने नहीं देते हो. प्लीज कोई लिख के भेज दो ना. But the thing is that you guys are not understanding over here is एक सेकेंड सुनना. एक इसमें गड़बड़ है. इन्होंने क्वेश्चन में 10 मार्क्स ना फ्री में नहीं देंगे. क्या लिखा है वह रीड करो. That calculates the penalty function as above. ये read करो. On the given data set, आपको x को include करना पड़ेगा ना. जैसे यहां आप जो ये penalty function लोगे तो क्या अपने इसमें x को include नहीं करेंगे? कि बिना उसके अपने कर सकते हैं. मतलब आई डोंट नो, बताना एक बार. आई एम नॉट श्योर. ठीक है, लेट्स सी. चलो ये मैं ले लेती हूँ मुस्कान का जो लिखा है इसने. सम ऑफ कैसे? एक सेकेंड. ये पूरा चीज बनाने बोला है ना, तो x के वैल्यूज तो आएंगे ही. समझ क्यों नहीं रहे हो? मैम एक मेरा स्क्वायर मिस हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन में. ठीक है, मैं कर दे रही हूँ वो स्क्वायर. तो y इज फॉर बी एफ आई, आई गोज फ्रॉम 1 टू n. ठीक है, बी वन माइनस बी टू इंटू एज. ठीक है, बी थ्री. ठीक है, करेक्ट है. बट द थिंग इज एक्स हमारा मैट्रिक्स है, ऑल रोज फर्स्ट कॉलम. ठीक है, चलो ओके. लैम्डा इंटू स्क्वायर कहाँ जाता है? इधर ना. तो ये पूरे में स्क्वायर आएगा. इसको हम एक और ब्रैकेट बना देते हैं इधर. प्लस लैम्डा वन माइनस अल्फा बाय टू इंटू बी टू बी थ्री बी फोर. वेरी गुड. प्लस अल्फा. वेरी गुड, सीम्स फाइन टू मी. इन्होंने ना इनके सोल्यूशन में कुछ अलग करा है. इन्होंने दे हैव यूज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला चीज. बट आई फील इट्स फाइन. मतलब इवन इफ यू आर डूइंग दिस, दिस इज ऑल्सो फाइन. They've used matrix multiplication. मतलब इन्होंने ना इस पार्ट में क्या करा है,
फॉर दोज हु वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ये वाई हो गया हमारा, ठीक है ना? और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा हमारा हो गया एक्स इंटू बी वाला पार्ट. तो इसका इन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया इस पार्ट के लिए, ठीक है? इस पार्ट के लिए इन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, विच आई फील कि थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट दिस इज फाइन. और क्या शॉर्टकट यूज किया इन्होंने बताऊं? जैसे ये जो पार्ट है ना सबका स्क्वायर करके ऐड किया है, तो इन्होंने क्या किया, बी वन माइनस वन मतलब फर्स्ट वाला बी का वैल्यू को हटा के बाकी सबका स्क्वायर का सम. तो ये सब ठीक है, आई मीन दिस इज ऑल्सो फाइन, एग्जाम में तो यही याद आएगा. डिराइव द वैल्यू ऑफ द पेनल्टी फंक्शन फॉर द वैल्यूज, तो ये हम लोग को अब दिया हुआ है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे राइट पेनल्टी बी. मैं डायरेक्टली इसी में ले रही हूँ वेक्टर, 1, 1/2, 1/3, 1. ओ ये तो पेस्ट ही नहीं हुआ. पॉइंट फाइव है अल्फा, बी लैम्डा इज 0.8. एरर इन एब्सोल्यूट. अच्छा इधर एक गलत हो गया था, इंडेक्सेशन वाला यूज कर दिया भूल से. अब वो एक और फिर ब्रैकेट इंक्लूड करना पड़ेगा. नहीं 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 इसके नहीं बाद नहीं एक और नहीं नहीं ब्रैकेट आएगा ना. एक सेकेंड रुको, ये ब्रैकेट इसका है, ये ब्रैकेट इसका है, तो आंसर तो मैच नहीं हो रहा, पर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा. लैम्डा एक्चुअली पता है कहाँ प्रॉब्लम आएगा बताऊँ? ये इसमें आ रहा होगा आई थिंक प्रॉब्लम, बिकॉज ये ना एक बार में काउंट हो जाएगा. जब आप वाई करोगे तो सारा वाई आ गया एंड ये यहाँ गड़बड़ होगा, ये इंडिविजुअली नहीं निकलेगा. समझ रहे हो क्या होगा प्रॉब्लम? आंसर नहीं मैच हो रहा ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना क्या होगा, आप ये वेक्टर ले रहे हो वाई, ठीक है? तो सारे वैल्यूज आ जा रहे हैं इधर भी, सारे मतलब इधर भी, दिस विल रिपीट इटसेल्फ. हाँ आई थिंक इसके साथ कुछ करना पड़ेगा हमें. लेट्स डू वन थिंग, एक्स में ना मैम वो स्क्वायर वाले के बाद ब्रैकेट नहीं होगा जो स्क्वायर है वो सम का वो क्लोज हो जा रहा है इसके वजह से नहीं आ रहा. सम तो पूरे में है ना.
इस पूरे का आप इंडिविजुअली सम कर रहे हो तो स्क्वायर कर रहे हो। हाँ हाँ, बट तो टू वो सम वाला ब्रैकेट क्लोज हो रहा हो जा रहा है 2 के बाद, अगर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो। वही तो करना है। यस मैम, इससे आंसर आ जा रहा है। आई मीन 2 के बाद नहीं है, पूरा समय। हाँ, 2 के बाद ब्रैकेट नहीं आने से आंसर ऐसे आ गया। अब सही है। हाँ हाँ मैम, लास्ट में लगा दीजिए ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये क्या करेगा, ये इंडिविजुअली सम लेके ही स्क्वायर करके सम करेगा क्या? नहीं कहाँ आया। मैम मेरा आ गया। हाँ मैम, मेरा भी आ गया। एक यहाँ एक ब्रैकेट इशू है क्या? नहीं नहीं प्लस नहीं के बाद भी लगा दीजिए एक ब्रैकेट। मैम मेरा आंसर लास्ट 3 डिजिट्स मैच नहीं हो वो सब रुक जाओ भाई, थोड़ा सा तो आने दो पहले। लास्ट 3 डिजिट्स। हाँ नहीं नहीं यार एक सेकेंड। ये ठीक है, बाय टू ये भी आ गया ठीक है, प्लस ये पार्ट हो गया। एक बार जिसका आंसर आ रहा है पेस्ट करना चैट बॉक्स में। तो तुमने भी तो वही किया है हर्षिता जो मैंने किया है, ये जो तुमने लिखा है ये मैंने भी तो सेम चीज लिखा था। मैम ये आपका एक शायद ब्रैकेट का प्रॉब्लम। यहां तो ब्रैकेट मैंने भी डाला था, ये मैंने किसका कोड कॉपी किया था? अच्छा आई गॉट द पॉइंट, तुम लोग सब गलत है। ये खाली ना इस पार्ट का आंसर मुझे दे रहे थे, प्लस प्रीवियस लाइन में जाएगा, ये आर का एक प्रॉब्लम होता है। अब ये पूरा मानेगा फंक्शन को, वो प्लस के बाद नहीं देख रहा था। आई थिंक सो इफ आई एम, हाँ वो प्लस का ही प्रॉब्लम था, ब्रैकेट ब्रैकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं बता रही हूँ ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, प्लस यहाँ था यहाँ नहीं था। सो व्हाट इट डज, इट जस्ट टेक्स दिस इनटू अकाउंट, इट विल नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट। तभी हम जब नेक्स्ट लाइन जाते हैं हम यहाँ पे साइन देते हैं फिर हम नेक्स्ट लाइन जाते हैं। दिस वॉज द बेसिक मिस्टेक, और कोई मिस्टेक ब्रैकेट ब्रैकेट का कोई मिस्टेक नहीं था। ठीक है अब नेक्स्ट करो, आ जाओ। सबका आ गया, अब बताओ किसका लास्ट 3 नहीं मैच हो रहा था, हु वाज इट? मैम मेरा नहीं होगा। अभी तुम कॉपी पेस्ट करो कोड यहाँ से और चेक चेक करो कोड कहाँ गलत आ रहा है, कहीं पे तुमने भी ऐसे ही कुछ सिली मिस्टेक किया है। जो इन्होंने कोड लिखा है वो लेके रन करके देखो। अब क्या बोल रहे हैं, ये हो गया, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड लैमडा फॉर विच द पेनल्टी फंक्शन इज मिनिमाइज, यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म एनी एडिशनल कैलकुलेशन। बिना कोई कैलकुलेशन के बताओ कि वॉट वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड लैमडा फॉर विच दिस वैल्यू विल बी, हाँ वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड लैम्डा फॉर विच द पेनल्टी फंक्शन इज मिनिमाइज व्हेन बीटा इज दिस, यू डू नॉट नीड टू परफॉर्म एनी फर्दर कैलकुलेशंस। तो क्या बोलेंगे बताओ, हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ इस फंक्शन में देखो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो लैम्डा जितना कम होगा, रेगुलराइजेशन पैरामीटर जितना कम होगा आपका पेनल्टी फंक्शन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो Yes or no? अरे what they are saying is what they need penalty function, the value of the penalty function, नहीं what is the value of alpha and lambda for which the penalty function is minimized। तो ये पूरा function कब minimize होगा?
अगर लैम्डा जीरो कर दोगे तो क्या होगा, वो पेनल्टी टर्म ही तो हट जाएगा पूरा, यस और नो? तो मिनिमाइज हो जाएगा ना ये पूरा, इसको मिनिमाइज करना है, मतलब ये तो क्लास 2 का बच्चा भी बता देगा, इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना है फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा लैम्डा। इफ आई सेट लैम्डा जीरो तो ये पार्ट जीरो ना, प्लस करके जीरो, तो आपका मिनिमाइज होगा कि नहीं होगा? नहीं, रेगुलराइजेशन पैरामीटर कैन नॉट बी नेगेटिव। हमने क्या पढ़ा था क्लास में रेगुलराइजेशन पैरामीटर के बारे में, कि जीरो होता है आप उसको इंक्रीज करते करते हो, जितना हाई होगा आप माइनस क्यों करोगे, व्हाई विल यू सब्ट्रैक्ट, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटायर पेनल्टी टर्म देन? तुमने मशीन लर्निंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। पेनल्टी कभी माइनस करते हैं तो पेनल्टी का मतलब क्या है, पेनल्टी कब लगाते हैं, पेनल्टी कब लगाते हैं बताओ, पेनल्टी अपने कब लगाते हैं? Why do we add a penalty term? Can anyone tell me? What? Why do we do penalize? हाँ बोलो। Do मैम टू इंट्रोड्यूस अ बायस, we introduce a bias? या बेसिकली उससे वो फिर वेरिएंस कम हो जाता है। Yes, Priyal. Easy language में बताओ। हाँ Priyal. And there is like roughness. Basically, when there's overfitting to the model, so there's roughness in the data. So to kind of control that roughness, maybe. बीटा वैल्यूज को रेगुलराइज करना है, फॉर दैट यू नीड टू आइदर रिमूव अ फ्यू वेरिएबल्स, एड अ फ्यू वेरिएबल्स, ओवरफिटिंग वाले प्रॉब्लम को हटाना है, करेक्ट? इजी लैंग्वेज में अगर बोलें, किसी को बायस वेरिएंस अगर नहीं समझ में आता तो, है ना, ओवरफिटिंग वाले चीज को हटाना है, सो फॉर दैट यू एड अ पेनल्टी टर्म, दिस इज अ पेनल्टी टर्म। इफ आई मेक दिस जीरो तो ये तो ऑब्वियसली मिनिमाइज हो जाएगा ना, रिगार्डलेस ऑफ ए वैल्यू ऑफ अल्फा, आपको यही लिखना है। इफ लैम्डा इज सेट टू जीरो, हमने यही पढ़ा था ना, लैम्डा सेट टू जीरो मतलब क्या, कि मिनिमाइज हो गया एनीवेज आपका, बस खत्म, रिगार्डलेस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। अब क्या बोला है नेक्स्ट, कैलकुलेट द कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ पेनल्टी व्हेन दिस इज दिस, मतलब लैम्डा आपको जीरो करके निकालना है, लैम्डा आपको जीरो करके निकालना है। आप कुछ भी ले लो, ये वाला आप कुछ भी ले लो, ठीक है, डजेंट मैटर, हाफ ले लो, कुछ भी ले लो, बट इसको जीरो कर दो लैम्डा को, एंड सी यू आर गेटिंग, ज्यादा कम नहीं हुआ है एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़े वैल्यूज हैं इसीलिए, बट इससे कम नहीं जा सकता आपका, इससे कम जा ही नहीं सकता आपका, ठीक है, आंसर मैच कर लो, इससे कम नहीं जा सकता आपका। नेक्स्ट बोला है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स ऑल थ्री फॉर विच द फंक्शन रीचेस इट्स मिनिमम बेस्ड ऑन द रीजनिंग इन पार्ट 6। सो बेस्ड ऑन द रीजनिंग वी नो दैट लैम्डा इज जीरो, द पेनल्टी फंक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम एज द लीनियर, मतलब अगर आप लैम्डा जीरो कर दोगे तो इट बिकम्स अ नॉर्मल लीनियर फंक्शन जो हम लोगों ने CS1 में पढ़ा है। इसको अगर आप जीरो कर दोगे इस पार्ट को तो ये क्या बन जाता है, लीनियर रिग्रेशन बनेगा ना, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो हमने पढ़ा है CS1 में, है ना? तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हमने बीटा वैल्यूज निकाला था LM फंक्शन से, वही करना है। अगर आप क्या बोला है पार्ट 6 के बेसिस में बीटा के वैल्यूज बताओ, ये दोनों से तो फर्क ही नहीं पड़ा, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, बीटा लैम्डा इज जीरो बिकॉज आपको मिनिमाइज करना है, तो वो टर्म को ही पूरा आपको हटाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑब्वियसली लैम्डा रेगुलराइजेशन पैरामीटर नहीं हो सकता, तो बीटा कैसे निकालेंगे, LM फंक्शन फिट करेंगे, LM फंक्शन कैसे फिट करेंगे, वाई ऑन एक्स, सिंपल, इसके कोएफिशिएंट्स निकालने हैं आपको, ये हो गए, ये B1, ये B2, ये B3, ये B4, सिंपल, देख लो। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ यूजिंग द वैल्यूज अल्फा लैम्डा बीटा फ्रॉम पार्ट 8। अब बोल रहे हैं कि दिस मे नॉट बी वैलिड वे ऑफ चूजिंग अल्फा एंड लैम्डा, क्यों? क्योंकि अगर आपको लैम्डा जीरो लेना ही था तो फिर आपने पेनल्टी फंक्शन क्यों बनाया, है ना? एंड अगर आपका लैम्डा जीरो हो गया तो आपका पेनल्टी फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा,
अगर मैंने एक बार लैम्डा जीरो कर दिया तो अल्फा, अब चाहे तुम 1000 लो, 1 लो, 0 लो, 100 लो, डजेंट मैटर. सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा इफ यू हैव वंस टेकन लैम्डा इज जीरो. सो इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन मेकिंग द इंटायर थिंग नेगेटिव, मतलब इस पूरे चीज को मिनिमाइज करने पे सोचना चाहिए एंड नॉट मेकिंग लैम्डा इज जीरो. कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने? क्रॉस वैलिडेशन करते हैं हम लोग, क्रॉस वैलिडेशन पढ़ा था हम लोग दोनों, 3K फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. पूरे डेटा को के पार्ट्स में डिवाइड करो, K-1 डेटा सेट्स लो जिससे आप पैरामीटर्स, हमने क्या पढ़ा था, ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा, ये ब्रॉडर में था. पर हाइपर पैरामीटर वर्ड शायद आर्या ने स्टार्टिंग में बोला. हाइपर पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए हम एक नया स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन. तो एक होता है आपका ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा, और एक होता है टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा पे आप मॉडल बना रहे हो, वैलिडेशन डेटा पे आप पैरामीटर्स चेक करो कि आपके पैरामीटर वैल्यूज करेक्ट है कि नहीं. एंड लास्टली आपका होता है टेस्टिंग डेटा जिसपे आप पूरा मॉडल अलोंग विद पैरामीटर्स चेक करते हो. तो क्रॉस वैलिडेशन क्या होता था, K-1 वाले चीज को लेंगे पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए एंड kth पे चेक करेंगे, ये हम लोग k टाइम्स करेंगे. यस और नो बोलो. एक बार लैम्डा जीरो ले लिया मतलब तो ये लीनियर रिग्रेशन बन गया, सिंपल सिंपल लीनियर रिग्रेशन बन गया. तो फिर तो वैलिड, तो फिर तो आपका पेनल्टी का कोई मीनिंग ही नहीं है. पेनल्टी तो हम क्यों ऐड कर रहे हो? करेक्ट. सो दिस इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ चूजिंग अल्फा एंड लैम्डा कि बस लैम्डा जीरो ले लिया तो पेनल्टी फंक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं बचा. तो अल्फा एंड लैम्डा को हम लोग को इस तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से हम पेनल्टी फंक्शन को मिनिमाइज करें. पहले अल्फा लैम्डा डिसाइड होगा क्योंकि अल्फा लैम्डाज आर हाइपर पैरामीटर्स. बीटा इज नॉट अ हाइपर पैरामीटर. कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ हाइपर पैरामीटर क्विकली? आर्या कैन यू एक्सप्लेन सिंस यू यूज द वर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड हाइपर पैरामीटर? बेसिक डिफरेंस. एक मॉडल आप बना रहे हो, सोचो हम तुम लोगों ने वो पढ़ा है, हम लोगों ने वो भी पढ़ा है ना, के मीन्स एल्गोरिदम. के मीन्स एल्गोरिदम पढ़ा है ना, के पार्ट्स में डिवाइड करते हो. तो के मीन्स एल्गोरिदम में के क्या है, हाइपर पैरामीटर है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड अ हाइपर पैरामीटर जस्ट बाय लुकिंग एट दिस फंक्शन हु विल डिफाइन? पैरामीटर वैल्यूज, और लेट्स मी से हाइपर पैरामीटर स्टार्ट करते हैं. हाइपर पैरामीटर वैल्यूज आर वैल्यूज विच यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू बिल्ड द मॉडल. लैम्डा एंड अल्फा मुझे डिसाइड करना पड़ेगा बिफोर आई स्टार्ट बिल्डिंग दिस मॉडल, क्योंकि बीटा तो हम निकाल सकते हैं. तो अल्फा लैम्डा जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस, मेरे खुद के नॉलेज से मैं डिसाइड करती हूँ. के मीन्स एल्गोरिदम में के पहले जब तक नहीं डिसाइड करोगे आगे कैसे बढ़ोगे? नंबर ऑफ सेंटर्स या एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट्स, इन दोनों में से कोई भी एक जब तक नहीं डिसाइड करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? सो हाइपर पैरामीटर नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड देन यू प्रोसीड एंड यू मेक द मॉडल एंड यू एंड फ्रॉम दैट एंड यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा यू कैलकुलेट बीटा वैल्यूज. दोज बीटा वैल्यूज विच यू कैलकुलेट ऑन द डेटा सेट एंड ऑल द मॉडल इज योर पैरामीटर. बट हाइपर पैरामीटर यू नीड टू अब क्योंकि मेरा मेरा एस्टिमेट और जजमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस मैंने अल्फा लैम्डा डिसाइड कर दिया, बट वो गलत भी हो सकता है. तभी हम लोग करते हैं क्रॉस वैलिडेशन, जहाँ हम लोग के टाइम्स, K-1 टाइम्स हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वैल्यूज ऑफ अल्फा लैम्डा क्या आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमाइज करें क्रॉस वैलिडेशन में. एंड वो वाला डेटा हम लोग, वो वाला अल्फा लैम्डा हम लोग लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ पेपर्स दैट यू विल बी सॉल्विंग. इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग 30 पेपर्स, 20 पेपर्स. मटेरियल जो न्यू चैप्टर्स है उनका रीड करो, समरी रीड करो सारे चैप्टर्स का. मेक इट अ पॉइंट एवरी डे यू आर रीडिंग वन चैप्टर, न्यू चैप्टर्स फ्रॉम द मटेरियल एंड मेरे चैप्टर्स फ्रॉम द नोट्स. मेक इट अ पॉइंट, ट्रस्ट मी, हाफ एन आवर. मैंने जब CS2 दिया था ना एग्जाम, CT4 CT6 टुगेदर, आई मेड इट अ पॉइंट कि एवरी डे हाफ एन आवर आई सिट एंड आई रिवाइज, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द मटेरियल का पीछे का समरी. ट्रस्ट
ट्रस्ट मी, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको 10 क्वेश्चन करने का नहीं जरूरत पड़ेगा, आपके 5 क्वेश्चन ही इनफ होंगे. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू गाइज आर नॉट इवन एबल टू टेल मी कि रेगुलराइजेशन पैरामीटर क्या होता है. एक दो जन को छोड़ के हाइपर पैरामीटर कोई समझा नहीं पा रहे ठीक से, एक दो जन को छोड़ के. प्लीज गेट योर कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट. इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग 30 पेपर्स 2005 से 4 से 2000 से लेके सारे पेपर्स अभी तक कर रहे हैं. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट. वो हो गया जितना करना था. मैं बात समझो, एवरी डे या तो सुबह का रूल बना लो या रात का रूल बना लो, मुझे एक चैप्टर या दो चैप्टर रीड करना है फ्रॉम नोट्स कॉपी या फिर फ्रॉम मटीरियल जो भी आपके न्यू चैप्टर्स हैं. मुझे समरी गो थ्रू करना है. जब तक नहीं करोगे नहीं होगा. 30 मार्क्स कमेंट्स पेपर बी, 30 मार्क्स कमेंट्स पेपर ए, कैसे करोगे? लैम्डा 0 से मिनिमाइज होगा, कोई बोल ही नहीं पा रहा है. बाकी चीजें छोड़ो, लासो रिज कोई बोल ही नहीं पा रहा है. बाकी चीजें छोड़ो, आप लोग मॉक्स भी कैसे दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा. हमारा सिलेबस खत्म हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है. क्लियर है? कमेंट ऑन द वैलिडिटी कैसे चूज करेंगे? हाइपर पैरामीटर पैरामीटर्स के बीच का डिफरेंस क्लियर है? के मीन्स वाला समझ में आया? के मीन्स एल्गोरिदम से अरे भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIM मुस्कान. चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ये हो जाएगा जल्दी. अ स्टडी हैज बीन मेड इनटू हाउ लॉन्ग इन वीक्स इट टेक्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट्स हु सफर एंकल इंजरीज टू रिकवर एंड एबल टू रन अगेन. द डेटा फाइल कंटेन्स द डेट. बेसिकली कोई इंजरी है वो, उससे उनका रिकवर होके वो वापस से कब रन कर सकते हैं, इसका उन्होंने बनाया है डेटा. सो ऑन अ ग्रुप ऑफ सच एथलीट्स वे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड फॉर ईच. वन इज टाइम, द नंबर ऑफ वीक्स बिफोर रिकवरी और सेंसरिंग अकर्स. तो या तो डेथ हो गया या डेथ हम लोग रिकवरी मान रहे हैं या सेंसरिंग. 0 इफ पर्सन लीव्स द स्टडी बिफोर रिकवरी, 1 इज डेथ विच इज रिकवरी. 0 if the person was treated with pain relief drugs and told to rest. 1 if they were on a program of physiotherapy and not drugs. ठीक है? 1 if there has been another ankle injury in last 36 months or 0. मतलब 1 का मतलब पहले भी कुछ injury हुआ है, दोबारा injury हो गया वो वाला. ठीक है? Before you start this question, you will have to install this survival हम लोग के में है. Construct R code to generate a data frame study. Again, they have said to include this. तो import कर लो. स्टडी देख लो. ठीक है, ये आ गया. इन्होंने क्या बोला है 12 रोज के बारे में? डिस्प्ले द फर्स्ट 12 रोज. तो डिस्प्ले कैसे करेंगे? स्टडी ऑल फर्स्ट 12 रोज ऑल कॉलम्स. ठीक है, हेड भी कर सकते, हेड नहीं वर्क करेगा. करो करो करो, कर लो कर लो. ठीक है, हेड में स्टडी कॉमा 12 कर देना. नेक्स्ट, स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सेंसरिंग इन दिस स्टडी मे बी इंफॉर्मेटिव नॉन इन्फॉर्मेटिव. चलो दोनों के लिए बोला है, और नॉन इन्फॉर्मेटिव उसका एक एग्जाम्पल देना. नॉन इन्फॉर्मेटिव का बात करते हैं. नॉन इन्फॉर्मेटिव कब होगा? एंड बोला है
State an example for how censoring in this study may be informative or non-informative for each treatment route. Specifically for treatment route के बारे में करना है. क्वेश्चन हमें ढंग से पढ़ना होगा, हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते. बताओ रूट, ट्रीटमेंट रूट के लिए क्या इन्फॉर्मेटिव है, नॉन इन्फॉर्मेटिव है? फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, एंड उसके वजह से कुछ मेरे को साइड इफेक्ट हो गया एंड आई ड्रॉप्ड आउट, ठीक है ना? तो ये इन्फॉर्मेटिव है कि नॉन इन्फॉर्मेटिव है, ये बताओ. ड्रग्स ले रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट एंड कुछ साइड इफेक्ट हुआ एंड दे लेफ्ट द स्टडी, इज दिस इन्फॉर्मेटिव और नॉन इन्फॉर्मेटिव? इट विल बी इन्फॉर्मेटिव ना. हाउ? बिकॉज ड्रग का साइड इफेक्ट्स है, सो पीपल हु आर लेफ्ट इन द ग्रुप मे ऑल्सो हैव इट एंड दे मे नॉट रिकवर वेरी सून. समझ लो, इस इंसान को साइड इफेक्ट था, इसने छोड़ दिया, हो सकता है वो ड्रग नहीं लेगा, रिकवर हो जाएगा सम अदर प्रोसेस से, बट ये तो ले रहे हैं, हो सकता है ये थोड़े दिन बाद इफेक्ट होंगे. तो द पर्सन हु लेफ्ट सेंसर्ड शोज दैट इनका रिकवरी रेट विल बी हायर बिकॉज इनको हो सकता है बाद में साइड इफेक्ट हो. मान लो वैक्सीन ट्रीटमेंट, दो वैक्सीनेशन है, एक वैक्सीन लिया उसके बाद साइड इफेक्ट हो गया, वो छोड़ दिया, इनको नहीं हुआ, ये सेकेंड के बाद हुआ, तो ये रिकवर ही नहीं, और वर्स हो गया इनका सिचुएशन. इन्फॉर्मेटिव. नॉन इन्फॉर्मेटिव ड्रग पीपल के लिए क्या हो सकता है? कोई ड्रग लेना भूल गया, तो उससे क्या पता चल रहा है, आज लेना था आज नहीं लिया, कल वापस, मतलब इससे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा ना कि क्या क्या प्रॉब्लम है. ये तो इन्फॉर्मेटिव नॉन, इससे तो समझ में ही नहीं आया हमें. समवन हु फॉरगॉट टू टेक द ड्रग ऑल टुगेदर, तो ये तो नॉन इन्फॉर्मेटिव है. इससे आप नहीं कमेंट कर सकते हो कि ड्रग का प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ, उस इंसान का प्रॉब्लम है उसने लिया नहीं, सो इट इज नॉट कमेंटिंग ऑन द रिकवरी रेट. ये हो गया. फिजियोथेरेपी वाला बताओ, जो इंसान फिजियोथेरेपी, अगेन पीपल हु नॉन इन्फॉर्मेटिव कब हो जाएगा? हु आर अनेबल टू डू दिस फिजियोथेरेपी अगेन एंड एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस, कमिट नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन नहीं है, भूल जा रहे हैं, अनेबल टू एक्सरसाइज, ठीक है, दैट इज नॉट इन्फॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव क्या होगा? कि जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, ठीक है, दे आर एब फॉर एग्जाम्पल दे आर कंटिन्यूइंग डूइंग द फिजियोथेरेपी, मतलब दे आर एबल टू सस्टेन ना, उनका इंजरी के साथ साथ जो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, मतलब दे आर एबल टू सस्टेन देयर एक्सरसाइजेज एंड इंजरी टूगेदर, मतलब अगर उनको दोबारा इंजरी होगा भी दे विल एबल टू मूव अहेड, तो उनका रिकवरी रेट विल बी फास्टर, है ना? तो थोड़ा घुमा के आपको बोलना पड़ेगा. देखो थोड़ा वियर्ड क्वेश्चन है, बट यू नीड टू गिव बेसिक एग्जाम्पल. ड्रग का दे सकते हैं कि भूल गए लेना, दिस इज नॉट इन्फॉर्मेटिव. साइड इफेक्ट ड्रग से और क्या क्या दिमाग में आते हैं, भूल जाना, लेना, साइड इफेक्ट हो जाना, ये सारा. फिजियोथेरेपी से क्या क्या आते हैं, कमिट नहीं कर पाए, डिसिप्लिन नहीं है, अनेबल टू एक्सरसाइज, ये आपका नॉन इन्फॉर्मेटिव हो गया. तो ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है? जेनरेट आर कोड टू कैलकुलेट द कैपलन मेयर एस्टिमेट ऑफ द सर्वाइवल फंक्शन फॉर द लेंथ ऑफ टाइम टू रिकवरी सेपरेटली फॉर एथलीट्स हु टेक पेन पेन रिलीफ ड्रग्स एंड दोज हु आर ऑन फिजियोथेरेपी एंड प्लॉट. तो दो बनेगा, एक बनेगा उन लोगों के लिए जो जीरो पे हैं और एक बनेगा वन पे हैं, ये रूट वाला. एंड प्लॉट द रिजल्टिंग टू सर्वाइवल फंक्शंस यूजिंग द डिफरेंट कलर्ड लाइंस इन अ सिंगल प्लॉट, ठीक है? करो उसको. यहाँ पे वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस प्रायर वाला चीज, ठीक है? तो पहले तो मैं डेटा मैंने इंपोर्ट कर लिया था, सर्वाइवल लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा फंक्शन लेते हैं? पहले तो सर्व बनाते हैं, सर्व पैकेज, है ना? मतलब सर्व फंक्शन यूज करके, जिनको याद नहीं है हेल्प टैब में सर्च कर लो जाके, क्या होगा? पहला टाइम, पहला टाइम दे मीन
इज अ टाइम फॉर द सेंसरिंग, जो हम लोग का टाइम में ही दिया हुआ है. तो स्टडी टोलो टाइम हो गया, ठीक है. दूसरा आपका इवेंट होता है, इवेंट यहाँ दिया हुआ है जीरो या वन इसमें, है ना. तो स्टडी डॉलो लीव. अब ये जो है यहाँ पे आप फंक्शन दे सकते हो इफ यू रिमेम्बर. तो ये हम लोग एक बार तो हम लोग ये रन कर लेते हैं. ये हमारा फंक्शन, ये हमारा सर्व पैकेज, मतलब सर्व मॉड ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब कैपलिन मेयर के लिए वी विल यू सर्फ इट. सर्फ इट में सर एंड ये टिल्ट क्यों डाल रहे हैं, बिकॉज हमें बोला है रूट के बेसिस पे. जब रूट जीरो है एंड रूट वन, तो जीरो का अलग बनेगा, वन का अलग बनेगा. तो स्टडी, ये हमने क्लास में सेम सम किया है, सेम सम किया एग्जैक्ट, वाई असाइनमेंट में भी किया था सेम सम. तो ये हो गया ठीक, बन गया. इसका प्लॉट कर दो. एक सेकेंड, हाँ एक बार मैं केएम रन करती हूँ. देखो स्टडी रूट जीरो के लिए है और स्टडी रूट वन के लिए है, ठीक है. तो पहले वाला हम लोग बनाते हैं, एक बार मैं बना रही हूँ, फिर हम लोग कॉलम मतलब टाइटल और ये सब दे देंगे. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. तो आप लोग टाइटल दे दो मेन लिख के, कंपेरिजन ऑफ कैपलिन मेयर एस्टिमेट फॉर एंकल इंजरी ट्रीटमेंट्स, दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स है. एक्स लैब में नंबर ऑफ वीक्स दे दो, टाइम देखो वीकली मेजर हो रहा है ना, तो एक्स लैब में नंबर ऑफ वीक्स दे दो. वाई लैब में एस टी दे दो, क्योंकि सर्वाइवल फंक्शन प्लॉट होता है. कलर चेंज वो सब मैं नहीं करी, वो आप लोग करोगे. कलर हम लोग दे देते हैं, एक को हम लोग देते हैं रेड, एक को देते हैं ब्लू, ठीक है. एंड उसी ऑर्डर में जाना, लेजेंड में दे दो, लेजेंड ऐड कर देना ना बाद में. नहीं मैं बोल रही हूँ अलग से ऐड कर देना वही चीज. इसमें हम लोग कलर दे दिया हमने, और क्या करते हैं. तो एक चीज ना ध्यान रखना, रेड विल बी दिस रूट इक्वल्स टू जीरो. जीरो वाला क्या था एक बार देखना, ड्रग की फिजियो. कीर्ति जीरो है ना. तो पहले रेड है ना, तो रेड वाला इज बेसिकली ये जीरो, याद रखना पहले जो लिया है, क्योंकि आपको इसे समझने में मुश्किल होगा. एल टी वाई दोनों में वन ले लो ना, हो गया ड्रग इन फिजियो. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट दिस, एक्सप्लेन योर कंक्लूजन्स. सबसे पहले तो इनिशियली कुछ उतना डिफरेंस नहीं है फॉर फ्यू, लाइक फॉर वीक टू. फिर वी सी दैट विथ टाइम एज नंबर ऑफ वीक्स इंक्रीजेस, ड्रग का रिकवरी रेट इज हायर देन फिजियो.
हमें क्या करना है, हमें सर्वाइवल फंक्शन को डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है, ये मुझे जानना है आपसे। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर सर्वाइवल फंक्शन कम हो रहा है, सर्वाइवल मतलब कि आप स्टिल इन प्रोसेस हो, रिकवरी मतलब डेथ है यहाँ पे, तो डेथ जल्दी होने के लिए रिकवरी कम होना पड़ेगा, सॉरी सर्वाइवल कम होना पड़ेगा। 1 माइनस ST को मिनिमाइज करना है, 1 माइनस ST को मिनिमाइज। ST इज तो सर्वाइवल का मतलब, क्या तुम फिजियो लिख के ही जा रही हो? अच्छा हाँ सॉरी, 1 माइनस ST को आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब आपका फास्टर रिकवरी रेट आपको चाहिए, ठीक है? तो करेक्ट, तो ST को हमें क्या करना है, ST को हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा। सर्वाइवल फंक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल फंक्शन का मतलब है कि हम लोग अभी स्टिल इन प्रोसेस है, हमारा रिकवरी अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है? और रिकवरी हमें फास्ट चाहिए, डेथ हमें फास्ट चाहिए, तो आपको FT इंक्रीज करना है। बेसिकली FT इंक्रीज करना है, तो ST को डिक्रीज, सो वी सीक टू मिनिमाइज। तो ये आपको क्लियरली दो लाइन में लिखना पड़ेगा, दैट वी विल हैव टू मिनिमाइज द सर्वाइवल फंक्शन बिकॉज वी नीड फास्टर रिकवरी फॉर एथलीट्स, एंड रिकवरी इज द इवेंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर। सो द टू सर्वाइवल फंक्शन दैट वी सी, शेप देखो सिमिलर है, शेप देख रहे हो, शेप एकदम सिमिलर है, बट फिजियो वाले का सर्वाइवल इज लेस। मतलब अगर आप देखो वीक 4 ऑनवर्ड्स ज्यादा चेंज हुआ, यहाँ तक इट्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम, बल्कि शुरू शुरू में तो ड्रग का कम था, बट आफ्टर वीक 4 ऑनवर्ड्स वी सी दैट वीक 4 तक वी सी देर इज नो लार्ज डिफरेंस, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। बट तो वीक 4 तक इट्स डिसाइडर, फॉर एग्जाम्पल वीक 4 तक ड्रग दिए बट कुछ हुआ नहीं, तो फिजियो में शिफ्ट हो जाएंगे, वो कर सकते हैं। या वीक 4 तक मान लो ड्रग वो कुछ, तो वीक 4 first 4 weeks में इनडिसाइसिव है, बट आफ्टर दैट वी सी दैट ST इज लोअर फॉर फिजियो दैन ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसीलिए ड्रग इज नॉट फॉर लॉन्गर टर्म, ये चीज आपको डॉक्टर्स भी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कुछ घर पे प्रॉब्लम, तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या बोलते हैं, इनिशियली ड्रग से तो ठीक हो जाएगा, आपको मेडिसिन दे देते हैं, बट लॉन्ग रन में यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल। ये मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है सब इतना भाषण, आपको ये समझाना है सबसे पहले तो आपको क्या देखना है। आप स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते कि फिजियो इज बेटर ओवर हियर बिकॉज उसका सर्वाइवल कम है। क्यों सर्वाइवल क्यों कम कराना है, वी नीड टू मिनिमाइज सर्वाइवल फंक्शन बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज रिकवरी रेट, एंड रिकवरी रेट इज द इवेंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर, दैट वी नीड टू इंक्रीज, सो सर्वाइवल फंक्शन शुड बी डाउन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वी कैन से वीक 4 तक मोर और लेस देखो ये सेम ही मानो, ये कम है तो इट्स सेम, इसके बाद से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, सो आफ्टर वीक 4 वी सी दैट ST इज लोअर और बेटर इन केस ऑफ फिजियो ट्रीटमेंट दैन ड्रग ट्रीटमेंट, सजेस्टिंग फिजियो इज मोर इफेक्टिव इन लॉन्गर टर्म, या मोर सिवियर इंजरी अगर होता है तो वो लॉन्गर टर्म के लिए रहता है ना, ड्रग तो क्या तुरंत ठीक हो जाता है, बट अगर कोई चीज 4 वीक से ज्यादा टन रहा है मतलब ऑब्वियसली ज्यादा सिवियर है, तो सिवियर ट्रीटमेंट्स के लिए फिजियो इज बेटर। Construct R code to generate Cox proportional hazard model with two covariates root and prior. You should use Breslow's estimate for ये तो हम लोग को Breslow method of tie and display the resulting regression. तो Cox model में कौन सा function? Cox PH. Search कर लो इधर Cox PH, जिनको याद नहीं है. ठीक है. हमारा सर्व ऑलरेडी बना हुआ है, तो सर्व एंड दोनों लेना है इधर, तो स्टडी डॉलो आपको रूट भी लेना है, प्लस स्टडी डॉलो आपको प्रायर भी लेना है, दोनों लेना है। और टाइज में क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट ना कुछ एफ्रॉन होता है इनका, हमने जो अच्छा अगर ये नहीं भी लिखते तो भी हम ब्रेस्टलोस करते बिकॉज हमारे क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने ब्रेस्टलो ही पढ़ा है, बस हो गया ये करना है। अब इसको रन करो, चेक करो क्या आ रहा है। तो ये आपके कोएफिशिएंट्स हो गए सारे, बेसिकली ये कोएफिशिएंट्स हो गए बीटा वाले वैल्यूज, ये हो गया। देखो आपका कैसा बनेगा, ये जो कॉक्स पीएच का बनेगा बनेगा कैसा, टाइम है
तो आपका ये बेसिकली जो फंक्शन अगर हम लोग लिखें, तुम्हारा फंक्शन कैसा बनता है? लैम्डा एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू लैम्डा टी, लैम्डा टी इज बेसलाइन हजार्ड या एच टी जो भी, हाँ, ई टू द पावर बीटा वन एक्स वन जेड वन। तो यहाँ बीटा वन इज दिस बेसिकली योर रूट, एंड जेड वन वन मतलब फिजियो, तो ये पॉजिटिव आ रहे हैं और ई टू द पावर बीटा है, ये टू द पावर बीटा है, आप लोग ये वाला देखना, और ये नेगेटिव है। वन मतलब प्रायर इंजरी हुआ है, हाँ, वन मतलब प्रायर इंजरी हुआ है, देर हैड बिन एन एंकल इंजरी, तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। रिकवरी रेट आपका क्या होगा? हजार्ड रेट बढ़ने का मतलब है बेटर, यहाँ पे रिकवरी रेट बढ़ जाना। इन दिस केस हजार्ड रेट निकाल रहे हैं, लैम्डा एक्स जेड कॉमा टी निकाल रहे हो, लैम्डा जेड कॉमा टी निकाल रहे हो ना, लैम्डा टी बेस लाइन इंटू ई टू दी पार, ये पूरा चीज अगर इंक्रीज होगा तो बेटर है ना। अभी तो पढ़ा हजार्ड रेट बेटर, हजार्ड रेट जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। क्यों बेटर है? रिकवरी रेट इज हजार्ड रेट, तो वो बेटर कब आ रहा है? जब ये पॉजिटिव है मतलब फिजियो में बेटर है, और ये नेगेटिव है तो अगर वन है सपोज इंटू वन मतलब प्रीवियस इंजरी हुआ है, तो हजार्ड रेट कम हो जा रहे हैं, रिकवरी रेट कम हो जा रहे हैं। दिस यू नीड टू एक्सप्लेन, ठीक है? तो ये दोनों आपके बीटा पैरामीटर्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हो गए, वही बोला है इन्होंने करने यहाँ पे, एंड रिजल्टिंग कोएफिशिएंट्स हो गए। कमेंट ऑन व्हाट द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पार्ट फाइव अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ रिकवरी। तो बेके करके आप लोग क्या क्या कमेंट करोगे कि अगर रूट रूट वन है, लेट्स सपोज इज फिजियो एंड जीरो इज फॉर ड्रग, तो पॉजिटिव कोएफिशिएंट ओवर हियर विल मीन दैट हजार्ड रेट विल बी हायर फॉर फिजियो ट्रीटमेंट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी विल बी हायर, तो फिजियो में यहाँ पे हो रहा है, दिस इज सिमिलर टू वॉट वी सॉ इन कैपलिन मेयर ऑल्सो फिजियो के लिए, ठीक है? अब प्रायर वन का मतलब प्रीवियस इंजरी हुआ है, सो हजार्ड विल बी लोअर व्हेन दिस इज नेगेटिव, मतलब रिकवरी रेट विल बी लोअर अगर प्रीवियस आपका इंजरी हुआ है, एंड दिस इज इन लाइन विथ व्हाट वी नो, इट्स अ जनरल आइडिया कि अगर प्रीवियस कभी इंजरी हुआ है, सेकेंड इंजरी है, तो ऑब्वियसली सेकेंड इंजरी में हील होने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, एंकल इंजरी पहले भी हो गया है, वापस हो गया है, तो यहाँ पे वो चीज है। तो 0-1 इंडिकेटर एंड आपका पॉजिटिव नेगेटिव से आपको पूरा ये चीज समझाना है, एंड रिकवरी टाइम का हमें क्या बताना है यहाँ पे कि प्रायर इंजरी अगर है, एंड यहाँ पे अगर इसका देखो मैग्नीट्यूड का बात करूँ, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होने का इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, देखो 1.32, तो दोनों के बीच में 30% के अराउंड का डिफरेंस है, ड्रग रेट एंड रिकवरी रेट फिजियो, बट इसमें पूरा ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस आ जाएगा। अगर प्रीवियस इंजरी हुआ है तो उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हमने किया है ये चीज भी, मैंने ये चीज भी सिखाया है तुम लोगों को, अरे हमने किया है ना, हाउ टू कंपेयर बीटा वैल्यूज, तुम दोनों चीज से डिवाइड कर लो, एक डिवाइड करो फिजियो को और एक ऊपर ऊपर ले लो फिजियो, नीचे ले लो प्रायर मतलब ड्रग, ठीक है? बाकी सब कांस्टेंट रखो, तो खाली एक एडिशनल टर्म बचेगा ना, ई टू द पावर बीटा वन, दैट ई टू द पावर बीटा वन इज व्हाट 1.32, तो रिकवरी रेट ऑफ फिजियो इज 32% हायर, नहीं समझ आ रहा क्या ये बेसिक चीज? रिकवरी रेट ऑफ फिजियो कीपिंग ऑल द थिंग्स एज सेम इज 32% हायर, विच इज गुड, बट अगर इसको ले लेंगे 1 माइनस दिस कितना होता है? तो इसमें क्या समझ में आया? ऊपर में ले लिया विथ प्रायर इंजरी, नीचे ले लिया नो इंजरी इज इक्वल टू 0.58 आ रहा है, क्योंकि ई टू दी पार बीटा टू वाला टर्म रहेगा। तो अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, मतलब क्या बोलेंगे? रिकवरी रेट ऑफ प्रीवियस इंजरी, रिकवरी रेट ऑफ प्रीवियस इंजरी इज 41% लोअर, तो इम्पैक्ट ज्यादा किसका है? इंजरी वाले का 41% का गैप है, यहाँ पे खाली 32% है, तो इम्पैक्ट किसका ज्यादा है? प्रायर इंजरी का ज्यादा इम्पैक्ट है देन ट्रीटमेंट,
इन द रिकवरी टाइम, वही बोला है इधर लास्ट में कि एंड मोर इम्पॉर्टेंट वेदर ट्रीटमेंट रूट और प्रायर इंजरी इज मोर इम्पॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग. इन दोनों पैरामीटर्स में से कौन सा ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है. ये एक चीज हुआ. पी वैल्यू भी देखते हैं. पी वैल्यू तो वैसे तो दोनों में ही 5% से ज्यादा है, बट स्टिल इसमें कम है, तो अगर 10% पे चेक करें तो ये सिग्निफिकेंट होगा. इसका कम है ना कंपेरेटिवली. गॉट इट? 5% से कम होता है तो हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट है. ठीक है. स्टेट हाउ यू कुड, किसको नहीं समझ में, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. सेम वाई असाइनमेंट का क्वेश्चन है. इन्होंने ये जो बोला इसका 1 मार्क है, 1.5 मार्क्स है इनफैक्ट, कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है. तो वो आपको ये नंबरिंग करके बताना है ऐसे 41%, 32%. स्टेट हाउ यू कैन यू कुड टेस्ट विच ऑफ द टू कोवेरिएंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट. लॉग लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट. एक में ले लो खाली, तुम्हारा दो मॉडल्स बनते हैं, एल ए माइनस एल बी, 2 × LA − LB, वो बनता है फॉलोज काई स्क्वेयर, पी प्लस क्यू जो भी, पी माइनस क्यू. ठीक है, तो वी कैन डू लॉग लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट, जहाँ पे हम लोग टू कॉक्स मॉडल लेंगे, 1 कॉक्स मॉडल विथ स्टडी, 1 कॉक्स मॉडल विथ प्रायर, एंड दोनों में से देखेंगे कौन सा बेटर है. या फिर 3 बना लो मॉडल, एक को कंपेयर करो दोनों, मतलब एक में ले लो कुछ भी नहीं और एक में ले लो रूट एंड एक में ले लो प्रायर, वैसे करके यू कैन कंपेयर. ठीक है, बोलो. सैचुरेटेड मॉडल ले लो एक, और एक ले लो जहां आप लोग रूट ले रहे हो, और एक ले लो प्रायर, तो देखो किस में ज्यादा बेटर है. ठीक है, या एक नल मॉडल के साथ कंपेयर कर लो, जो भी इंडिविजुअली. सो उतना नहीं लिखना, खाली लिखना है लॉग लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट वेर यू कंपेयर द 3 डिफरेंट मॉडल्स, मैक्सिमाइज्ड मॉडल विथ प्रायर मॉडल, मैक्सिमाइज्ड मॉडल विद द रूट मॉडल, और नल मॉडल विद द रूट मॉडल एंड नल मॉडल विद द प्रायर मॉडल. ठीक है, बोलो, क्लियर है? सो नॉट वेरी इजी पेपर, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू हैव जस्ट डन द असाइनमेंट्स दैट वी हैव डन इन द क्लास, स्टिल यू कुड हैव डन दिस पेपर. इसके लिए कोई भी पास्ट, मैं बता रही हूँ एकदम फ्रैंकली ओपनली, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए ना आपको खाली मेरे क्लासेस में जो असाइनमेंट्स हुए हैं उससे ज्यादा का नॉलेज चाहिए ही नहीं था. पास्ट पेपर्स आप कितना भी सॉल्व कर लो, ऐसा टाइप का लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया ही नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन जो था डिस्क मॉडल्स का आया ही नहीं है. दिस कॉक्स मॉडल फिर भी आपको सिमिलर मिल जाएगा, बट वो तो आया ही नहीं है. सेम, इवन सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट सेम, यू कैन नेवर गेट इट. सो कॉन्सेप्ट ऑल द क्लासेस वी हैव डन, That's it. That's the entire thing to clear your exam. ठीक है? Any doubt? बोलो. चलो, let's do it till here. Please time table check करते रहना. मैं अभी revision classes रखूंगी. हो सकता है I can schedule more for this this week. तो please देखते रहना. ठीक है? चलो. Bye bye. Thank you.